वेलकम टू CBM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भिलाई। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि MRT टूल को यूज कैसे किया जाता है और MRT टूल के द्वारा हम वीवो के मोबाइल को अनलॉक करना सिखाएंगे। तो आज हमारे पास एक सेट है वीवो Z1 Pro, तो वो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए MRT ओपन कर लीजिए। और MRT ओपन करने के बाद देखिए कुछ मॉडल रहते हैं जो MRT में जैसे या किसी डोंगल में दिए नहीं रहते हैं, लेकिन CPU सेम होने की वजह से हम उसमें कुछ दूसरा मॉडल भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो यह इन्फॉर्मेशन जैसे कि जो नए स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, उनको सीखने के लिए, जानकारी के लिए मैं बनाता हूँ वीडियो। तो देखिए जैसे कि अभी हम Z1 Pro को करने जा रहे हैं, लेकिन Z1 जो Pro है वो मॉडल का नाम जो है वीवो के टूल में अभी तो नहीं दिया है, बाद में आ भी सकता है, लेकिन इसका जो CPU है वो और किसी से सपोर्टेड है, तो वो जो है आपको चेक करना पड़ेगा इंटरनेट पर। आप उसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद जो है मतलब आप उस मॉडल को भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर Z5X को सेलेक्ट किया हुआ है और पोर्ट में ऑटो रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ फॉर्मेट एंड अनलॉक में चेक मार्क लगा हुआ है, ठीक है, हमने इसमें लगाया हुआ है चेक मार्क। तो आप यहाँ से फॉर्मेट और अनलॉक, जैसे अभी इस तरीके के जो सेट आते हैं, तो अगर आप इसको हार्ड रिसेट भी करना चाहेंगे तो वहाँ पे भी पैटर्न लॉक पिन जो भी लगा रहता है वो पूछते रहता है, ठीक है। तो देखिए अभी हम इसमें फॉर्मेट में क्लिक करके सीधा जो है ideal point टच करके और मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट में क्लिक कर देना है और यहाँ से पॉइंट को मैं जैसे ही लगा दूँगा, कनेक्ट कर दूँगा, उसके बाद स्टार्ट में क्लिक करूँगा। तो यहाँ से देखिए मैंने चेक कर लिया कि इसका पॉइंट कहाँ पर है। आपको ऐसे इंटरनेट पे किसी मॉडल का पता लगाना होगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट में क्लिक करके जस्ट जो है इसमें लगाऊँगा केबल को और मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ। तो इसके लिए और आपको डिवाइस मैनेजर में भी दिखाते हैं कि अभी इसमें जब मोबाइल कनेक्ट होगा तो उसका पोर्ट दिखाएगा। और देखिए अभी इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे जैसे मोबाइल कनेक्ट होगा तो यहाँ पे QD लोडर पोर्ट दिखाई देगा। तो अभी मैं केबल को लगाता हूँ और लगाने से यहाँ पे पोर्ट बनाएगा, ठीक है। और आपके सिस्टम में QDL जो ADL पोर्ट का ड्राइवर होता है, HS USB QD लोडर, वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। और कभी कभी देखो जैसे कि अगर आप CM2 वगैरह यूज करते हैं तो जो ADL पोर्ट है वो इमरजेंसी डाउनलोड के रूप में काम करता है, तो वहाँ से आपको ड्राइवर अपडेट भी करना पड़ेगा। तो ड्राइवर अपडेट करने आप कर लेंगे, ठीक है। और अगर जैसे नहीं दिखाता है तो, अगर मान लो यहाँ पे ADL पोर्ट नहीं आता है तो चलिए देखिए हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसको समझा रहा था तो कैमरे में देखिए मैंने अभी यहाँ पे पॉइंट को टच किया और इसमें केबल लगाता हूँ, जैसे ही लगाऊँगा यहाँ पे पोर्ट दिखाएगा। तो मैं इसलिए उस डिटेल को बता दिया कि अगर आप और कोई बॉक्स या डोंगल यूज करते हैं तो सकता है कि आपका जो पोर्ट है वो ना शो करे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अभी लगाया, अब मैं पोर्ट में चेक करके जाके देखता हूँ। देखिए पोर्ट में कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे पोर्ट में ध्यान से देखेंगे तो नहीं दिखा रहा। नीचे देखिए केयर स्विट इमरजेंसी, क्योंकि हम CM2 भी यूज करते हैं तो CM2 इसी ड्राइवर पे काम करता है। तो अभी हम इसको अपडेट करेंगे, ऐसे अपडेट राइट क्लिक यहाँ से, और आप भी ऐसे कर लेंगे। अगर आपके में QD लोडर दिखा रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अपडेट हो गया, आप सीधा मोबाइल जो है कनेक्ट हो गया है, आप स्टार्ट करना है और अभी स्क्रीन पे आपका अनलॉकिंग ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देखिए चेक मार्क लगा हुआ है और अभी स्टार्ट देते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए अभी मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे ये देखिए कनेक्ट भी हो गया, रिबूटिंग मोबाइल का ऑप्शन आ गया है। अब आप इसको पलट कर देख सकते हैं, पूरा प्रोसेसिंग चल चुका है। आप ध्यान से देखेंगे फ्लैश टाइप इसमें UFS लगा हुआ है, जिसमें फ्लैश चिप है वो UFS चिप लगी हुई है। पहले EMMC आती थी और इससे पहले NAND आता था, तो अभी ये काम हो चुका है। देखिए अभी सेट को बैटरी कनेक्ट करके चालू कर रहे हैं, पावर ऑन कर रहे हैं, और पावर ऑन करेंगे तो देखिए जैसे कि इसमें अभी हम इसको चालू करके देखते हैं और इसमें देखते हैं कि FRP पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो आप ये ध्यान रखिए अधिकतर जितने भी सेट आते हैं सब में FRP फैक्ट्री सेट प्रोटेक्शन लगा ही रहता है,
तो FRP पूछेगा, जैसे कि वीवो के कुछ मॉडल ऐसे भी होते थे जिसमें FRP नहीं पूछता था, तो जो पहले के हैं कुछ पुराने वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम डले हुए होते थे, तो FRP पूछेगा तो FRP इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। अभी FRP का ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है लेकिन सभी मॉडल पर नहीं वर्क करता है, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर जो मॉडल दिया है तो उसी पर आप काम कर सकते हैं। तो FRP बाईपास करने के लिए आपको बाईपास तरीका यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए मतलब जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके और गूगल अकाउंट मैनेजर डाउनलोड करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये सेट चालू हो रहा है और इसको हम फॉरवर्ड करके दिखाते हैं, और हम इसको आपको ये भी बताएंगे कि इसमें FRP लगा है कि नहीं लगा है, या अभी तो ये फैक्ट्री सेट हो गया, पहले फैक्ट्री रीसेट नहीं हो रहा था, तो फैक्ट्री सेट हम नहीं कर पाएंगे तभी FRP भी नहीं पूछेगा, FRP बाईपास भी नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रकार मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। तो मोबाइल अनलॉक करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसको फैक्ट्री सेट करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री रीसेट आजकल के जो सेट होते हैं वो बॉक्स अथवा डोंगल से ही होते हैं, तो अभी इसीलिए हमें MRT के थ्रू इसको क्या करना पड़ा, फैक्ट्री सेट करना पड़ा। तो ये डिटेल्स है, मैं जैसे डिटेल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जिससे आप समझ जाओ। देखिए हम इसको आगे कंटिन्यू बढ़ा लेते हैं, अभी ये सेट चालू आ गया है स्क्रीन इसका बूट हो करके। तो अभी यहाँ पर आपको अगर कनेक्ट करने के लिए बोलता है तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और स्किप का मैसेज है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर ये स्किप करके आप आगे चले जाते हैं और लास्ट में अगर आपसे FRP नहीं पूछना रहेगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें FRP तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें तो इसके बारे में पहले से आइडिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे सेट जब आप करोगे, ज़रूरी नहीं है कि इसी मॉडल को करो, ये वीडियो सिर्फ आपके जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए अब यहाँ पर ये गूगल अकाउंट मांग रहा है, जैसे हम इसको ओके करेंगे ये बैक हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो FRP के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप जानते हैं बाईपास करना तो कर सकते हैं, वीडियो पहले से भी है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।